हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनदर डे अनदर रिएक्शन वीडियो। मैं हूं सना, मैं हूं अली और हम करने वाले हैं आज टाइगर 3 के न्यू प्रोमो के ऊपर रिएक्शन, प्लस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो होने वाला है उसके ऊपर टाइगर को लेके क्या है आगे खबरें और रिव्यू, ये सब देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड और अभी से लाइक कर देना ताकि ऐसी वीडियोस और आती रहे हमारे चैनल पे। तो पहले हम आई थिंक शुरू करते हैं सलमान खान का जो प्रोमो है नया वाला, क्योंकि उसी से सारी खबरें रिलेटेड है। सलमान खान आ रहे हैं अपनी टाइगर 3 की प्रमोशन लेके इस बार वर्ल्ड कप के अंदर। उन्होंने किए यशराज प्रोडक्शन ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ किए, उन्होंने बहुत बड़ी डील, इससे पहले बॉलीवुड की किसी भी मूवी की इस लेवल पे प्रमोशन नहीं हुई। बिल्कुल, ये तो जो कल का जो मैच आने वाला है पाकिस्तान और इंडिया के मध्य मुकाबले, ये मुझे ये लगता है कि ये वर्ल्ड कप का और क्रिकेटिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि ये इंडिया में हो रहा है और पाकिस्तान जो है 6-7 साल के बाद इंडिया में जाके कोई भी मैच खेल रही है, तो इस मैच का एक्साइटमेंट लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो इसके अंदर जो टाइगर 3 का तड़का लग रहा है प्रोमो के जरिए, तो वो भी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि उसके अंदर बिग स्टार्स को गोल्डन टिकट दिया गया है जिसमें अमिताभ बच्चन और रजनीकांत भी शामिल है। यानी कि बॉलीवुड और साउथ दोनों को उन्होंने मर्ज कर दिया, बुलाया है अपने वर्ल्ड कप के मैच को चार चांद लगाने के लिए। सलमान खान के बारे में बड़ी मजेदार सी न्यूज इसमें आ रही है, कोई कह रहे हैं टॉस के दरमियान वो खड़े होंगे, और आपने जैसे एक फनी बात कही थी और ये भी बात है कि इसके अंदर वो, क्योंकि जब वर्ल्ड कप का स्टार्ट हुआ था तो कोई उन्होंने स्टार्टिंग सेरेमनी नहीं हुई थी वर्ल्ड कप की, तो इसके अंदर ये भी है कि कुछ परफॉर्मेंसेस भी होंगी इस मैच के अंदर, के लोगों का ये मानना था कि यार ये कैसा फीका सा वर्ल्ड कप करा रहे हैं कि जिसकी कोई स्टार्टिंग सेरेमनी नहीं है। मगर आई थिंक उन्होंने इसी बड़े मैच के लिए ये सेरेमनी रखी हुई थी, इसी वजह से अमिताभ बच्चन को और रजनीकांत को और सलमान खान की जो बड़ी मूवी आ रही है उसमें भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट की है। तो यश राज वालों ने ये बहुत ही कोई जीनियस लेवल का मूव किया है, उनको ये बिल्कुल आइडिया है कि कितनी ज्यादा पब्लिक जो है ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को एंजॉय करती है। लास्ट 2019 में जो उसके स्टैट्स आए थे जिसमें 500 मिलियन प्लस लोगों ने ये मैच देखा था, तो इस वजह से उन्होंने चूज किया है इस डे को फॉर देयर मूवी प्रमोशन, क्योंकि इनका प्लान ये है कि टाइगर 3 को 3,000 करोड़ की रेस में डाला जाए। तो इस वजह से इन्होंने इस मूवी की प्रमोशन के लिए फिर चीज भी बड़ी उठानी पड़ती है, तो उन्होंने नेक्स्ट लेवल मैच वाली स्ट्रेटेजी अपनाते हुए स्टार स्पोर्ट्स के साथ इसकी डील करी है। तो आई थिंक ये दिस गोना वर्क, क्योंकि सारे लोग की नजरें जो है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच के ऊपर होती है, तो जब आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में आप देखेंगे कि टाइगर 3 सलमान खान आके जो है वो बातें कर रहे हैं और दिख रहे हैं, तो लोगों की जाहिर सी बात है उनके फैंस सब मर्ज हो जाएंगे। तो आई थिंक हम लोग इससे पहले बात करने से पहले उनका प्रोमो देख लेते हैं, सलमान खान ने जो खिलाड़ियों के साथ जो स्टार स्पोर्ट्स के लिए प्रोमो बनाया वो देखते हैं, तो उस पर रिएक्शन देते हैं, फिर आगे और क्या क्या है वो बता। इस बार इन 11 टाइगर्स का सबसे बड़ा मिशन, 7 लगातार जीत के बाद भी 8वीं बार होगी कांटे की टक्कर। ये क्रिकेट राइवलरी है ग्रेट, पूरे हिंदुस्तान और टाइगर को है 8वीं जीत का इंतजार। 8 का वेट, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। आठ का वेट हो रहा है, जब तक टाइगर मरा नहीं समझो हारा नहीं, तो इन्होंने उसके मिशन को जो है वर्ल्ड कप के मिशन के साथ ज्वाइन कर दिया। तो बहुत इंटेलिजेंट मूव किया है इन्होंने, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि सलमान खान भी जो है वो एक इंडिया और पाकिस्तान वाला थीम है टाइगर 3 का, और वर्ल्ड कप में भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। सलमान खान ने जो नया प्रोमो बनाया है टाइगर 3 का, वो भी प्रोमो बिल्कुल, वो भी कल जो है बड़ी स्क्रीन पे वहाँ पे दिखाया जाएगा स्टेडियम के अंदर, तो ये भी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि 16th of October को इसका ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च होने वाला है टाइगर 3 का, तो वो भी एक नेक्स्ट लेवल क्रेज होगा, क्योंकि इतने तकरीबन उस स्टेडियम में कह रहे हैं 1,00,000 से ऊपर के स्पेक्टेटर्स होंगे जो लाइव वो देख रहे होंगे, तो ये इसका क्रेज नेक्स्ट लेवल होने वाला है। जो शाउट होगा
जो स्क्रीमिंग होगी, जो माहौल होगा स्टेडियम का, नेक्स्ट लेवल होने बिल्कुल वाला। बिल्कुल तो बहुत, यानी कि जो खिलाड़ियों के साथ जो मिशन पे जो निकल रहे हैं सलमान खान, तो इस पे सब देखेंगी पब्लिक के, हम भी देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, सबका वेट इस पे बना रहेगा शनिवार को क्या होने वाला है। बिल्कुल, तो यानी कि वेट रहेगा सैटरडे का किसका, यानी कि जो बड़ा दिन है इसमें क्या होने वाला है, उसके जो मैच की हैपनिंग और जो सलमान खान का होगा उस पर भी हम जरूर रिएक्शन देंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना सो यू नेवर मिस एनी रिएक्शन फ्रॉम अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।